राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपनी ही एक योजना को लागू करने में बुरी तरह उलझ गई है। ये योजना है महिलाओं को स्मार्टफोन देने की। असल में साल 2022 में सरकार ने प्रदेश की 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी, ऐलान किया था। डेढ़ साल तक तो इस पर अमल ही नहीं हुआ और अब गहलोत सरकार इस पर अमल कर रही है, तो जिस स्वरूप में योजना लागू की जा रही है उसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं योजना मुश्किलें खड़ी ना कर दे। देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मनीष गोधा की ये रिपोर्ट। हम ये प्रयास कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, आप अपना काउंटर लगाओ, जैसे मतलब ये महंगे इलाज के लगे हैं, काउंटर में पब्लिक को चॉइस देंगे, आप जाओ, आप जाके वहाँ मोबाइल चॉइस करो अपने खुद का, मोबाइल स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट लो जिससे कि हम मैसेज दे सकें बाद में भी। और स्मार्टफोन का उद्देश्य यही है महिलाओं की सशक्तिकरण। बिल्कुल सही सुना आपने, राजस्थान में अब कैंप लगाकर मोबाइल फोन देने की योजना है। इसकी शुरुआत 10 अगस्त से हो रही है। दरअसल गहलोत सरकार ने महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन देने की योजना का ऐलान 2022 के बजट में किया था। उस वक्त 1,33,00,000 महिलाओं के लिए ये योजना बनाई गई थी और 3 साल का फ्री इंटरनेट प्लान देने की भी योजना थी, लेकिन योजना को अमल में लाया ही नहीं जा सका। अब ये योजना अमल में लाई जा रही है तो महिलाओं की संख्या घटाकर 40,00,000 कर दी गई है और अब केवल 9 महीने का इंटरनेट फ्री दिया जाएगा। अब योजना में देरी क्यों हुई, तो इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि सरकार को इतनी संख्या में मोबाइल फोन ही नहीं मिले। दूसरी तरफ कौन सा मोबाइल फोन दिया जाए, इसे लेकर भी सरकार असमंजस में थी। मोबाइल मिलने के बाद में लगे कि मुझे इस ब्रांड का मिल गया, उसको इस ब्रांड का मिल गया, तो फिर आप जानते हो ये मोबाइल ऐसी चीज है, आप भी खरीदने जाओगे मार्केट में तो अपनी चॉइस का लोगे, कितनी GB का लूँ मैं, कौन से ब्रांड का लूँ, हर व्यक्ति GB भी जाएगा अपनी पसंद की, कितनी कितनी कैपेसिटी GB में लूँ, कौन सा मैं मॉडल लूँ। बहरहाल ऐलान कर दिया गया है तो BJP ने सवाल खड़े कर दिए हैं। BJP का कहना है कि सरकार आउटडेटेड मोबाइल बांटने की योजना बना रही है। पर मार्केट में आज 4GB के फोन चल रहे हैं, पर सरकार इस आउटडेटेड टेलीफोन को जनता में बांटकर चांदी कूटने का काम कर रही है और एक तरह से मोबाइल टेलीफोन विक्रेता के रूप में काम कर रही है। इसके में 2400 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है उसका कहीं बजट में प्रावधान नहीं। अब जानकार मान रहे हैं कि योजना का ऐलान किया गया है इसलिए सरकार को मोबाइल फोन देना मजबूरी है, लेकिन योजना में जो देरी हुई है इससे कहीं लाभ मिलने के बजाय नुकसान न हो जाए, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम हो चुकी है, जिन्हें फोन नहीं मिलेगा उनकी नाराजगी भी सामने आ सकती है। दूसरी तरफ 40,00,000 मोबाइल फोन बांटना है, वो भी शिविरों के जरिए। क्या आचार संहिता लागू होने तक ये टारगेट पूरा हो सकेगा या नहीं, इसलिए योजना को लेकर अशोक गहलोत सरकार खुद ही उलझ कर रह गई है।